बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन पे है कि बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए या बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और बैक्टीरिया उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी जो ग्रोथ है वो करता है और हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशली किस तरह से लैब में ग्रो करा सकते हैं और इसकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। आपको आज के लेक्चर में डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, देन उनकी जो टाइप्स हैं न्यूट्रिशन की, कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और कुछ जो हैं वो केमिकल न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। देन लेबॉर्ट्री में बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली हम किस तरह ग्रो करा सकते हैं और आर्टिफिशियल मीडिया या न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हुए हम लैब में एक बैक्टीरिया को किस तरह हम ग्रो करा सकते हैं और देन उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशन इज़ द सब्सटेंसेस यूज्ड इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूट्रिशन बेसिकली जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो बायोसिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन में बैक्टीरिया जो है वो यूज़ करते हैं एंड देयरफॉर आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपनी जो है फंक्शंस करने के लिए, देन अपनी जो उनकी ग्रोथ है ग्रो करने के लिए। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको न्यूट्रिशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। द केमिकल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ दिस इन्वायरमेंट दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ आर रेफर्ड एज न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो दीज केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स आर एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स या इन्वायरमेंट्स के एलिमेंट्स जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए यूटिलाइज होते हैं या बैक्टीरिया जो है उनको यूटिलाइज करता है फॉर देयर ग्रोथ आर रेफर्ड एज न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे केमिकल्स को न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया जाता है, आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, या इनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। मैनी बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन इन द लेबॉर्ट्री इन कल्चर मीडिया। बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्हें हम लेबॉर्ट्री में कल्चर मीडिया पर हम ग्रो करा सकते हैं, विच आर डिज़ाइंड टू प्रोवाइड ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। और लेबॉर्ट्री में बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जो मीडिया यूज़ होगा उसे हम कल्चर मीडिया कहेंगे और कल्चर मीडिया में हम जितने भी ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे बैक्टीरिया को जो चाहिए होंगे, बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड होंगे फॉर प्रॉपर या ऑप्टिमल ग्रोथ, तो वो उस सॉल्यूशन में जो है वो ऐड होंगे फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। Then a microbe is a mutualist or parasite. The host cell must ultimately provide. Then अगर bacteria जो है वो एक association में है, वो एक mutualist है या parasite है, then जिस host में, जिस body में वो bacteria रहेगा तो उस host को ultimately provide करना चाहिए nutritional requirements of its resident. तो उसकी रेजिडेंसी के लिए जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक होस्ट को प्रोवाइड करने चाहिए। मीन टू से बैक्टीरिया जब म्यूचुअलिस्ट या पैरासाइट, एज अ पैरासाइट जो है किसी बॉडी में रहेगा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे जितने भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसे प्रोवाइड कर रही होगी। अगर ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बैक्टीरिया की जो है वो पूरी हो रही हैं, उसे मिल रही हैं, देन वो वहाँ पे ग्रो करेगा और डिजीज़ जो है वो काज करेगा। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिक्वायरमेंट्स फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। बैक्टीरियल माइक्रोबियल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल। फिजिकल में
physical aspects include temperature, pH and osmotic pressure. Then फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में जो है बैक्टीरियल माइक्रोबियल ग्रोथ की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है उनमें टेम्परेचर है, पीएच है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है. देन फर्दर हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं. केमिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड वाटर, सोर्सेज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, मिनरल्स, ऑक्सीजन एंड अदर ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर. केमिकल रिक्वायरमेंट्स में वाटर इंक्लूड है, देन सोर्स ऑफ कार्बन है, नाइट्रोजन है, मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, देन कुछ जो हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो बैक्टीरिया को चाहिए होती हैं, जो बैक्टीरिया की केमिकल रिक्वायरमेंट्स में इंक्लूड हैं. तो वन बाई वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे. तो फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स में फर्स्ट वन जो था वो टेम्परेचर है. टेम्परेचर माइक्रोब्स आर लूजली क्लासीफाइड into several groups based on their preferred temperature ranges. तो bacteria को जो है वो हम classify करते हैं several groups में जो कि base करती है temperature ranges पे. Psychrophiles bacteria जो हैं cold loving है, ये ऐसे bacteria हैं जो जिनकी growth के लिए temperature low temperature की ज़रूरत होती है, या ये वहाँ पे grow करते हैं जहाँ पे जो temperature है वो कम हो या जहाँ पे जो है वो सर्दी हो, इसलिए हम इनको cold loving bacteria कहते हैं, which are also called psychrophiles. Then mesophiles middle loving. Mesophiles ऐसे bacteria हैं जिन्हें ग्रोथ के लिए या जिन्हें जो टेम्परेचर है वो मिडिल रेंज का जो टेम्परेचर है वो चाहिए होता है फॉर देयर ऑप्टिमल ग्रोथ. अपने ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए इन्हें जो है वो मिडिल टेम्परेचर चाहिए होता है, या मिडिल टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया हैं, इन्हें हम मीज़ोफाइल्स कहते हैं. इनका जो टेम्परेचर रेंज है वो 25 से 35, 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज है. देन थर्मोफाइल्स आर हीट लविंग. थर्मोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है वो ग्रो करते हैं, और इनकी ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है. इन ऐसे बैक्टीरिया को हम थर्मोफाइल्स कहते हैं. तो टेम्परेचर की बेस पे हम बैक्टीरिया को साइक्रोफाइल्स, मीज़ोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स में हम क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. देन मोस्टली जो बैक्टीरिया जो क्लिनिकली या मेडिकली इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ काज करती हैं, तो वो मीज़ोफाइल्स में आती हैं, मिडल टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया. तो मीज़ोफाइल बैक्टीरिया मोस्टली जो है उनमें ग्रैम पॉजिटिव, ग्रैम नेगेटिव, और यही बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन में जो है वो डिजीज़ काज करती हैं. देन लैब में इनकी ग्रोथ के लिए इंक्यूबेटर यूज़ किए जाते हैं, और इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है उनको रखा जाता है, और वहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है वो कराई जाती है. और मीज़ोफाइल्स क्योंकि मिडल टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है, और हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए ये बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमंस को ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 होने की वजह से ह्यूमंस को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, और ह्यूमन में डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो कॉज करते हैं. देन साइक्रोफाइल्स थर्मोफाइल जो हैं वो कोल्ड लविंग है, और थर्मोफाइल जो हैं वो हीट लविंग है, इसलिए ये मोस्टली जो है ये ह्यूमंस को अटैक नहीं करती, और ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज नहीं करती, क्योंकि इनको टेम्परेचर जो है इनका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही होती. और मीज़ोफाइल्स को ह्यूमन बॉडी जो है वो इनका जो टेम्परेचर है इनकी ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए तो वो प्रोवाइड कर रही होती है, इसलिए मीज़ोफाइल जो है मोस्टली ह्यूमंस को अटैक करते हैं, और ह्यूमन में डिफरेंट डिजीज जो है वो कॉज करती हैं. और लैब में इनकी ग्रोथ के लिए जब टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा तो वो 37 टेम्परेचर जो है हम इंक्यूबेटर में इनको 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनको देंगे, तब ये जो है प्रॉपर ग्रोथ शो करेंगे. देन हम इनकी फर्दर जो है वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे. देन पीएच, मोस्ट बैक्टीरिया प्रेफर न्यूट्रल पीएच विच इज़ 6.5 to 7.5. मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो प्रेफर करते हैं न्यूट्रल पी एच. देन इनकी जो पी एच की रेंज है वो 6.5 to 7.5 है. मोल्ड्स आर बेसिकली फंजाई एंड यीस्ट ग्रो इन द वाइडर पी एच रेंज. मोल्ड और यीस्ट जो हैं ये इनको इनकी ग्रोथ के लिए जो है वो वाइडर पी एच रेंज चाहिए होते हैं, बट प्रेफर पी एच बिटवीन 5 एंड 6. लेकिन मोस्टली जो है ये
फाइव एंड सिक्स पीएच पे जो है ये ग्रोथ करते हैं। फाइव एंड सिक्स पीएच इज बेसिकली एसिडिक पीएच, तो ये एसिडिक पीएच पे जो है ये अपनी ग्रोथ शो करते हैं। देन एसिडिटी, एसिडिटी इनहिबिट्स मोस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इज यूज फ्रीक्वेंटली फॉर फूड प्रिजर्वेशन। एसिडिटी जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती है। फर्स्ट लाइन में हमने डिस्कस किया है कि मोस्ट बैक्टीरिया जो है वो प्रेफर करते हैं न्यूट्रल पीएच को, न्यूट्रल पीएच जो 7 के करीब होगी, लाइक 6.5 और 6.5 टू 7.5। देन अगर हम इन्हें एसिडिक पीएच पे हम इनको रखते हैं तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ये ग्रोथ शो नहीं करेंगी, और एसिडिटी होने की वजह से इनकी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो इनहिबिट होगी। देन यही प्रॉपर्टी हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं, लाइक पिकलिंग, पिकलिंग में जिसे हम जिसमें जो है वो हम डिफरेंट वेजिटेबल्स की जो है वो हम बेसिकली पिकलिंग अचार डालना, अचार जो हम मोस्टली जो है वो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है वो एसिडिक एसिडिटी या एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होती है ड्यू टू एसिडिटी, और फूड की जो प्रिजर्वेशन है वो काफ़ी टाइम काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम कर सकते हैं। देन अल्कलाइनिटी इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ बट नॉट कॉमनली यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अल्कलाइनिटी भी इनहिबिट करती है माइक्रोबियल ग्रोथ को, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ नहीं की जाती फॉर फूड प्रिजर्वेशन। एसिडिक प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल मेटाबोलिज्म इंटरफेयर विद ग्रोथ, एसिडिक प्रोडक्ट्स जो हैं बैक्टीरियल मेटाबोलिज्म इंटरफेयर करते हैं विद ग्रोथ। बफर कैन बी यूज टू स्टेबलाइज पीएच। देन डिफरेंट बफर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो हम यूज़ करते हैं टू स्टेबलाइज पीएच, पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए और डिफरेंट बैक्टीरिया को जो है वो उनकी ग्रोथ के लिए। देन एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स एसिड लविंग कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम एसिडोफाइल्स कहते हैं, जो एसिड लविंग हैं, ग्रो एट वेरी लो पीएच, तो ये काफ़ी लो पीएच 0.1 टू 5.4 विच इज़ बेसिकली एसिडिक पीएच, तो एसिडिक पीएच पे ये ग्रो करते हैं। इनकी एग्जांपल लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूसेस द लैक्टिक एसिड टॉलरेट्स माइल्ड एसिडिटी। देन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड को और टॉलरेट करते हैं माइल्ड एसिडिटी। देन न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल ग्रो एट पीएच 5.4 टू 8.5, इंक्लूड मोस्ट ह्यूमन पैथोजन, मोस्ट ह्यूमन पैथोजन जो हैं वो न्यूट्रोफाइल्स हैं, न्यूट्रोफाइल जो हैं वो ग्रो करते हैं एट पीएच 5.4 टू 8.5। देन अल्कलीफाइल्स अल्कली लविंग बैक्टीरिया ग्रो एट अल्कलाइन आर हाई पीएच विच इज 7 to 12 आर हायर, विब्रियो कॉलरा एंड अल्कलाई जीन्स फिकेलिस ऑप्टिमल पीएच इनकी 9 है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अल्कलाइन पीएच पे जो है वो ग्रो करते हैं, ये इनकी ग्रोथ के लिए जो है वो हाई पीएच जो है रिक्वायर्ड होती है लाइक 7 to 12 आर हायर। तो इनकी एग्जांपल में विब्रियो कॉलरा है, अल्कली जीन्स फिकेलिस इनकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 9 है और 9 पीएच जो है वो अल्कलाइन है, सॉरी। देन सॉयल बैक्टीरियम एग्रो बैक्टीरियम ग्रोज एट पीएच 12, तो एग्रो बैक्टीरियम जो है वो भी अल्कली लविंग बैक्टीरिया है जो ग्रो करता है एट पीएच 12 और 12 पीएच पे जो है वो ग्रोथ शो करता है। देन थर्ड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड जो फैक्टर है फिजिकल फैक्टर है जो बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। सेल्स आर 80 to 90% वाटर, सेल्स जो है उनमें 80 to 90% वाटर जो है वो होता है। देन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशंस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रिमूव्स वाटर फ्रॉम द सेल्स। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशंस में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो है वो वाटर जो है वो रिमूव होता है फ्रॉम द सेल्स से और काजिंग श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिससे जो है वो सेल मेम्ब्रेन की श्रिंकेज होती है जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और इस टर्म को हम जो है वो प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इससे जो है वो बैक्टीरिया जो है वो श्रिंक हो जाता है और बैक्टीरिया के सेल से जो है वो वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर और ड्यू टू डिफरेंट
water and salt concentration. Then hypotonic solution, low osmotic pressure causes water to enter the cell. Hypotonic solution में low osmotic pressure जो है वो causes the water to enter the cell. उसमें water जो है वो cell में enter होता है. In most cases cell wall prevent excessive entry of the water. लेकिन mostly जो है वो excessive entry of water को cell wall जो है वो prevent करती है. और hypotonic solution में जो cell होगा माइक्रोब में लाइज माइक्रोब का जो सेल है वो लाइज हो सकता है और ब्रस्ट ब्रस्ट हो सकता है ड्यू टू वाटर एंट्री इनटू द सेल. क्योंकि जो है वाटर इसमें सेल्स के अंदर एंटर होता है जिसकी वजह से जो है वो सेल लाइज हो सकता है. इफ़ सेल वाल इज़ वीक, अगर सेल वाल वीक है तो उससे जो है वो माइक्रोब की लाइज हो सकता है, माइक्रोब और ब्रस्ट हो सकता है. तो ये डिफरेंट ऑस्मोटिक फैक्टर्स ऑस्मोटिक प्रेशर हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसकी वजह से सेल जो है सेल से वाटर जो है रिमूव भी हो सकता है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. एंड सेल में जो है वाटर एंटर हो सकता है और सेल की जो है वो लाइसिस हो सकती है इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. तो इस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए. देन एक टर्म है आइसोटोनिक. आइसोटोनिक में सेम जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम कंसंट्रेशन होती है दोनों साइड्स पे इन्वायरमेंट में भी और सेल के अंदर भी. देन इस कंडीशन में ना तो वाटर जो है वो सेल को रिमूव सेल से जो है वो रिमूव होता है और ना ही वाटर जो है सेल में एंटर होता है. तो इस कंडीशन में सेल जो है वो स्टेबल रहता है. तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी जो है वो आइसोटोनिक कंडीशन जो है रिक्वायर्ड होती है. और आइसोटोनिक कंडीशन में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सेल को जो है वो इन्फेक्ट नहीं करता. तो These are the physical factors. Then chemical requirements. Chemical requirements में carbon first one जो थी वो carbon है जो chemical requirements में bacteria को चाहिए होती है. Make up 50% of the dry weight of the cell और cell का जो dry weight का 50% है वो carbon बनाती है. Structural backbone of all organic compound और जितने भी organic compound हैं उनका जो structural backbone है उसमें जो है वो कार्बन स्ट्रक्चर बैकबोन जो है वो कार्बन की वजह से बना होता है. देन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन मेक्स अप 14% ऑफ ड्राई वेट ड्राई सेल वेट. देन नाइट्रोजन जो है वो 14% ड्राई सेल वेट बनाती है यूज्ड टू फॉर्म अमाइनो एसिड. देन नाइट्रोजन जो है फर्दर अमाइनो एसिड्स की जो है फॉर्मेशन उसमें नाइट्रोजन का रोल है. देन अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स बनाती हैं डीएनए एंड आरएनए. डीएनए एंड आरएनए भी जो नाइट्रोजन है वो यूटिलाइज होती है. सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है प्रोटीन है मोस्ट बैक्टीरिया. देन अमोनियम फाउंड इन ऑर्गेनिक मैटर. कुछ बैक्टीरिया जो है वो प्रोटीन से जो है वो नाइट्रोजन लेती हैं, कुछ जो है वो अमोनियम जो कि ऑर्गेनिक मैटर में होता है. देन नाइट्रोजन गैस ऑब्टेंड एन डायरेक्टली जिसमें जो है नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो है वो ली जाती है. इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव फ्री इन द सॉइल आर एसोसिएटेड विद द लिग्यूम्स. इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो लिव फ्री इन द सॉइल वो फ्री सॉइल में जो है वो फ्री रहते हैं. आर एसोसिएटेड विद द लिग्यूम्स या वो लिग्यूम्स से जो है वो एसोसिएटेड हैं लाइक पीज बीन्स अल्फाल्फा देन क्लोवर एक्सेट्रा. देन लिग्यूम कल्टिवेशन इज़ यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉयल नेचुरली. सॉयल को नेचुरली फर्टिलाइज करने के लिए जो है वो लिग्यूम की कल्टिवेशन जो है वो की जाती है. देन सल्फर यूज्ड टू फॉर्म द प्रोटीन एंड सम विटामिन लाइक थायामिन एंड बायोटिन. थायमिन और बायोटिन जो कि विटामिन हैं इनकी फॉर्मेशन में जो है या प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है वो सल्फर यूज़ होती है. सोर्सेज ऑफ सल्फर. सल्फर के जो सोर्स हैं प्रोटीन मोस्ट बैक्टीरिया. देन हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट साल्ट्स दैट डिसोसिएट टू गिव द SO4. देन फास्फोरस है. फास्फोरस जो है वो यूज होती है टू फॉर्म DNA RNA ATP एंड फास्फोलिपिड्स. फास्फोरस का जो फास्फोरस जो है बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं टू फॉर्म डीएनए उसके डीएनए सिंथेसिस में आरएनए सिंथेसिस में देन एटीपी सिंथेसिस में एंड फास्फोलिपिड की जो फॉर्मेशन है उसमें फास्फोरस जो है वो यूज होते हैं. सोर्स जो है मेनली इनऑर्गेनिक फास्फेट साल्ट्स एंड बफर्स. देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन दैट यूज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस मोर एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स देन एनएरोब्स. तो बैक्टीरिया जो है कुछ बैक्टीरिया एरोब्स हैं कुछ एनएरोब्स हैं
एरोब्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। देन एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस मोर एनर्जी, एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस देन एनएरोब्स की एनएरोब्स और एरोब्स का अगर हम कंपैरिजन कराएं तो इनमें जो ऑक्सीजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया हैं और एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो मोर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू एनएरोब्स। देन कल्चर मीडिया, कल्चर मीडियम न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ इन द लेबॉरेटरी। कल्चर मीडिया बेसिकली न्यूट्रिएंट मटेरियल है प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ इन द लेबॉरेटरी, जो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो है वो लेबॉरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। अगर हमने बैक्टीरिया को जो है वो आर्टिफिशली लैब में उसकी जो है वो उसको ग्रो कराना है, देन हम जो मीडिया होगा जो हम मीडिया यूज़ करेंगे कल्चर मीडिया कहलाएगा। रिक्वायरमेंट्स में मस्ट बी स्टीराइल, कल्चर मीडिया जो है वो स्टीराइल होना चाहिए, कंटेन एप्रोप्राइएट न्यूट्रिएंट्स और उनमें जो है एप्रोप्राइएट न्यूट्रिएंट्स ऐड होने चाहिए, मस्ट बी इंक्यूबेटेड एट एप्रोप्राइएट टेम्परेचर, देन उसको जो है वो एप्रोप्राइएट टेम्परेचर पे एक मुनासिब टेम्परेचर पे हम इंक्यूबेट भी जो है वो कर सकें। कल्चर माइक्रोब्स दैट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन आर ऑन अ कल्चर मीडिया, तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एक कल्चर मीडिया पे तो उसको हम कल्चर कहेंगे। देन फर्दर जो है वो मीडिया की टाइप्स हैं। बेसिकली मीडिया एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं और बैक्टीरिया जो है उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करते हुए जो है वो ग्रो करता है। सॉलिड मीडिया न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट मटेरियल दैट कंटेन अ सॉलिडिफाइंग एजेंट लाइक प्लेट स्लांट्स एंड डीप्स, द मोस्ट कॉमन सॉलिडिफायर इज एगर फर्स्ट यूज्ड बाय रॉबर्ट कोच, तो उसमें जो है सॉलिड मीडिया ऐसे मीडिया है जिनसे जो है प्लेट्स भी बना सकते हैं, स्लांट्स भी बना सकते हैं, देन डीप्स भी उनसे बना सकते हैं और उनमें जो है एक सॉलिडिफायर एजेंट जो है वो ऐड किया होता है लाइक एगर, जो उस मीडिया को जो है वो सॉलिड बनाता है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एगर, एगर जो है वो मेल्ट्स अबाउट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्ट एगर जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट होता है। वंस मेल्टेड डज नॉट सॉलिडिफाई अंटिल इट रीचेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर इसे एक दफ़ा जो है वो गर्म कर लें देन इसे जो अगर सॉलिडिफाई करना है तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तब ये सॉलिडिफाई होगा। कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई द मोस्ट बैक्टीरिया। देन पॉलीसेकेराइड मेड बाई रेड एल्जी। देन केमिकली डिफाइंड मीडिया न्यूट्रिएंट मटेरियल, केमिकली अगर मीडिया को हम डिफाइन करें तो न्यूट्रिएंट मटेरियल हुज एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन इज नोन, जिसकी जो है केमिकल कंपोजिशन जो है वो नोन हो तो ऐसे मीडिया को हम केमिकली डिफाइंड मीडिया कहते हैं। फॉर कीमो हेटरोट्रॉप्स, और ये यूज़ होता है फॉर कीमो हेटरोट्रॉप्स, मस्ट कंटेन ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन, और इसमें जो है ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन जो है वो ऐड होना चाहिए एंड एनर्जी लाइक ग्लूकोज स्टार्च एक्सेट्रा, ये चीज़ें जो है वो ऐड होने चाहिए। मे आल्सो कंटेन अमाइनो एसिड्स विटामिन एंड अदर्स, और इनमें जो है वो विटामिन और अदर एलिमेंट्स जो है वो ऐड होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोब्स नॉट वाइडली यूज, और ये नॉट वाइडली यूज नहीं होते और मोस्ट एक्सपेंसिव हैं। देन कम्प्लेक्स मीडिया न्यूट्रिएंट मटेरियल हुज एग्जैक्ट कंपोजिशन इज नॉट नोन, तो ऐसा जो मीडिया है उसे हम कम्प्लेक्स मीडिया कहेंगे। वाइडली यूज फॉर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और ये मोस्टली जो है वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के लिए जो है वो यूज़ होता है। बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशनल टाइप है तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफ हैं। तो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया को मोस्टली जो है वो हम लैब में जो है उनको ग्रो उनकी जो ग्रोथ है वो हम कराते हैं ऑन डिफरेंट कल्चर मीडिया मेड ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्राम यीस्ट। तो इनमें जो है कम्प्लेक्स मीडिया में एक्सट्रैक्ट जो है वो ऐड किए जाते हैं फ्राम यीस्ट, मीट, प्लांट, प्रोटीन एंड डाइजेस्ट एक्सेट्रा।
कंपोजिशन में वेरी स्लाइटली फ्रॉम बैच टू बैच, और इनकी जो कंपोजिशन है वो बैच टू बैच जो है वो वेरी कर सकती है। एनर्जी कार्बन नाइट्रोजन सल्फर रिक्वायरमेंट्स आर प्राइमरली मेड बाय प्रोटीन फ्रैगमेंट्स कॉल्ड पेप्टोन्स। तो इनमें जो है वो प्रोटीन फ्रैगमेंट्स पेप्टोन जो है वो ऐड किए होते हैं, जिनसे जो है वो एनर्जी कार्बन नाइट्रोजन सल्फर रिक्वायरमेंट्स जो है बैक्टीरिया की वो पूरी होती हैं। देन विटामिन एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइडेड बाई मीट एंड जीस्ट एक्सट्रैक्ट। विटामिन एंड ऑर्गेनिक फैक्टर्स जो हैं वो मीट और जीस्ट एक्सट्रैक्ट से जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। टू फॉर्म्स ऑफ द कम्प्लेक्स मीडिया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो कम्प्लेक्स मीडिया की जो है वो फर्दर टू फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो लिक्विड मीडिया, एंड सेकंड वन इज़ न्यूट्रिएंट एगर सॉलिड मीडिया। न्यूट्रिएंट एगर जो है वो सॉलिड मीडिया और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है वो लिक्विड मीडिया। देन एन एरोबिक ग्रोथ मीडिया यूज टू ग्रो द एनएरोब्स दैट माइट बी किल्ड बाय ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक ग्रोथ मीडिया ऐसा ग्रोथ मीडिया है जो ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्रो नहीं कर सकते। तो ऐसे बैक्टीरिया एन एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए एन एरोबिक ग्रोथ मीडिया जो है वो यूज़ किए जाते हैं। रिड्यूसिंग मीडिया कंटेन इंग्रेडिएंट्स दैट केमिकली कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो इनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए होते हैं जो केमिकली कंबाइन करते हैं विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, एंड रिमूव इट फ्रॉम द मीडियम, और उसे जो है वो मीडियम से रिमूव कर देते हैं। एग्जाम्पल सोडियम थायोग्लाइकोलेट एक ऐसा मीडिया है जो हम यूज़ करते हैं फॉर एन एरोबिक बैक्टीरिया। प्लेट्स मस्ट बी ग्रोन इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। देन ऐसी प्लेट जो है बैक्टीरिया को इनोकुलेट करने के बाद ऐसी प्लेट्स को हम ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे या ऐसे कंटेनर्स में रखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो एब्सेंस होगी, लाइक एन एरोबिक चैम्बर्स। तो इसमें जो है वो कैंडल जार यूज़ किया जाता है जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन मैक्सिमम होती है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वहाँ पर मिनिमम होती है। तो वहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो एनएरोबिक ग्रोथ मीडिया को यूटिलाइज करते हुए ग्रो करेंगे। स्पेशल कल्चर टेक्निक्स यूज टू ग्रो द बैक्टीरिया विद अनयूजुअल ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। स्पेशल कल्चर टेक्निक्स जो है उनमें यूज टू ग्रो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए यूज होते हैं विद अनयूजुअल ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। देन कुछ बैक्टीरिया हैं जो आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं करते, लाइक माइकोबैक्टीरियम लेप्री विच काजेज लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है वो एक डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो काज करती है, और इनको जो है वो ग्रो कराते हैं हम आर्मेडेलोस में जो है इनको इंजेक्ट किया जाता है और वहाँ पे जो है इनकी जो है ग्रोथ वो होती है। देन ट्रिपोनीमा प्लाडियम जो है जो सिफिलिस काज करता है, ग्रोन इन द रैबिट टेस्टिकल्स। देन इनको जो है वो रैबिट की टेस्टिकल्स जो है उनमें इनको ग्रो कराया जाता है। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हैं। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर मीन इंट्रा मीन इनटू एंड सेलुलर मीन सेल। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सेल्स के अंदर ही जो है वो ग्रो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया कहते हैं। लाइक रिकेट्सिया एंड क्लैमिडिया ओनली ग्रो इन द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के होस्ट का जो सेल होगा सेल के अंदर ही ये हमेशा ग्रो करेंगी, और आर्टिफिशली इन्हें हम जो बाहर लैब में इन विट्रो जो है हम इनकी ग्रोथ नहीं करा सकते। देन सेलेक्टिव मीडिया यूज टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड। कुछ मीडिया जो है वो सेलेक्टिव मीडिया है जो सप्रेस करते हैं ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स, और इनकरेज करते हैं ग्रोथ को ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स। तो डिजायर्ड माइक्रोब्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ को इनकरेज करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया ऐसे मीडिया जो है वो सेबरॉड डेक्सट्रोज एगर pH 5.6 डिस्करेज द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो 5.6 जो pH है इसकी ये डिस्करेज करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, और यूज़ होती है टू आइसोलेट द फंजाई, और फंजाई के लिए जो है बेसिकली ये यूज़ होता है फंजाई का एक सेलेक्टिव मीडिया। देन ब्रिलियंट ग्रीन एगर ग्रीन डाई सेलेक्टिवली इनहिबिट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्रीन कलर जो है वो इनहिबिट करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, और यूज़ टू आइसोलेट द ग्राम नेगेटिव साल्मोनेला, और ग्राम नेगेटिव साल्मोनेला जो है उनके लिए ये यूज़ होता है। देन बिस्मिथ सल्फाइड एगर यूज टू आइसोलेट द साल्मोनेला टाइफी। बिस्मिथ सल्फाइड एगर जो है वो यूज़ किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के लिए, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट बैक्टीरिया, और मोस्टली जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को जो है ये इनहिबिट करता है। देन डिफरेंशियल मीडिया यूज टू डिस्टिंग्विश कॉलोनी ऑफ द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। कुछ मीडिया जो है वो डिफरेंशियल मीडिया हैं जो कि डिफरेंट जो है वो सिग्नल्स देते हैं, ये डिफरेंट जो है वो कलर शो करते हैं फॉर डिफरेंट बैक्टीरिया और डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। लाइक ब्लड एगर यूज टू डिस्टिंग्विश बैक्टीरिया दैट डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल।
ब्लड डैगर जो है वो ऐसे बैक्टीरिया जो रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रॉय करते हैं, हिमोलिसिस करते हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है यूज़ होता है। हिमोलिसिस अपीयर्स एज एन एरिया ऑफ द क्लियरिंग अराउंड द कॉलोनी। तो इनकी जो एग्जांपल है वो स्ट्रिप्टोकोकस पायोजिनीज जो है वो ब्लड एगर की हिमोलिसिस करते हैं, और हिमोलिटिक जो है वो बैक्टीरिया हैं। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।